हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजब गजब भारत। तो गाइस, आज मैं आई हूँ जयपुर, राजस्थान की राजधानी। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ जल महल। तो जल महल तो फेमस है, वैसे भी सभी जानते हैं। तो चलिए, और यदि यहाँ पे एंट्री होगी जल महल में जाने की, तो वोट के थ्रू मैं आपको जल महल के अंदर भी लेके चलूँगी। चलिए हमारे साथ, मैं बैक व्यू करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइज, ये है मेन रास्ता, और आप यहाँ से आएंगे और आप यहाँ पे पूरा विजिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको राजा की सवारी निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, आप देख सकते हैं, और बैक व्यू दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं बैक व्यू में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ राजा की शाही सवारी का दृश्य दिखाया गया है, और उनके पीछे पीछे नाचते गाते, ढोल बजाते, खुशी से झूमते हुए लोग दिखाए गए हैं। तो ये दृश्य कितना सुंदर अपने आप में है, आप देख सकते हैं, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गाइस, जब आप जल महल देखने आएंगे तो ये पूरा का पूरा दृश्य आपको जल महल के एंट्रेंस पे ही देखने को मिलेगा। और जब आप यहाँ से अंदर की साइड जाएंगे, तब आप झील के बीचों बीच बने जल महल को देख पाएंगे। तो चलिए, अब मैं इसी दृश्य को एक बार आपको अंदर के साइड से भी दिखाती हूँ। तो अब देखिए गाइस, अब मैं उस बाउंड्री से अंदर आ गई हूँ। अभी मैं जो आपको बाहर वाला दृश्य दिखा रही थी राजा की शाही सवारी का, वो मैं रोड पे खड़े होकर दिखा रही थी, रोड साइड से। और अब मैं बाउंड्री के अंदर हूँ, वहाँ से आपको वही दृश्य दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर ये दृश्य अंदर से भी दिखाई देता है। तो अब चलते हैं हम जल महल की तरफ। चलिए, हमारे और ये देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत सारी आपको जो दुकानें लगी हुई दिखाई दे रही होंगी, भीड़ भाड़ सी आपको नज़र आ रही होगी, ये सारी की सारी दुकानें हैंडीक्राफ्ट सामान की हैं, और यहाँ पे आप हाथों से निर्मित सामान खरीद सकते हैं। और यहाँ पे यदि आपके साथ में छोटे बच्चे आए हैं, तो उनके लिए भी मनोरंजन का पूरा साधन है। देखिए यहाँ पे कारें खड़ी हुई हैं, तो बच्चे भी बोर नहीं होंगे यहाँ आने के बाद, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और यदि आप फ़ोटो खिंचवाने के शौकीन हैं, तो यहाँ पे राजस्थानी कॉस्ट्यूम में आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। देखिए, मैं वो भी आपको दिखा रही हूँ सामने। तो देखिए गाइस, फाइनली मैं आ गई हूँ मानसागर झील के किनारे, क्योंकि मानसागर झील में ही जल महल बना हुआ है। आप देख सकते हैं सामने आपको ये सुंदर सी खूबसूरत सी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यही जल महल है। और गाइस, इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि इस महल का निर्माण 1734 में जयपुर के जो महाराजा थे सवाई जयसिंह, उन्होंने करवाया था। और बताया जाता है ये उन्होंने अपनी मौज मस्ती यानी अपने आमोद प्रमोद के लिए इसका निर्माण करवाया था, और इसीलिए इसको रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, झील के बीचों बीच बने होने के कारण इसको आई बॉल भी कहा जाता है। गाइस, जल महल इसलिए और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और बीच में झील में बना हुआ ये महल, और चांदनी रात में कहते हैं इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो गाइस, जिस वक्त मैं जल महल को विजिट करने आई हूँ, अभी यहाँ पे जल महल के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि जल महल में अंदर रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो कोई भी अभी अंदर का विजिट नहीं कर सकता है। और यहाँ की एक ख़ास बात आपको बताती हूँ कि यहाँ पे झील के अंदर कृत्रिम आइलैंड विकसित किए गए हैं, और उन पे कहते हैं 1,00,000 पेड़ पौधों की नर्सरी भी लगाई गई है पक्षियों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य विकसित किया जा रहा है। तो गाइस, ये था हमारा जल महल का विजिट। आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।